एक गरीब के घर बेहतरीन राशन पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से गोदामों पर पानी का छिड़काव होता है और उसके बावजूद वजन जब बढ़ जाता है तो डिपो होल्डर्स के पास सप्लाई किया जाता है और उसका नतीजा यह होता है कि अनाज सड़ जाता है। फफूंदी युक्त होने के साथ साथ कई अनाज के कट्टे में तो कीड़े भी चलते हुए नजर आते हैं। सोनीपत के महलाना रोड पर स्थित डिपो होल्डर के पास गंदा अनाज पहुंचा। गेहूं की गुणवत्ता इतनी खराब है कि उसे पशुओं के सामने भी नहीं डाला जा सकता। देखिए अधिकारी और ठेकेदारों का यह गंदा खेल कैसे सक्रिय हो रहा है। गरीबों के निवाले से पैसा हजम करने की ठेकेदार अधिकारियों की खूब जम रही है और इसका असर गरीब लोगों पर क्या पड़ रहा है। सोनीपत में राशन डिपो पर घटिया गुणवत्ता का अनाज पहुंचाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला महलाना रोड पर स्थित राशन डिपो से सामने आया है, जहां उपभोक्ताओं के लिए भेजे गए गेहूं की गुणवत्ता इतनी खराब है कि उसे पशुओं के सामने भी नहीं डाला जा सकता। जिस प्रकार से डिपो होल्डर्स के पास गंदा सड़ा हुआ और फफूंदी युक्त अनाज भेजा जा रहा है, अगर उसे लैब में चेक कराकर मानक चेक किए जाए तो सभी मानक फेल हो जाएंगे। जब हमने मौके पर पहुंचकर कैमरे के सामने अनाज का कट्टा खुलवाया तो लिहाजा वही तस्वीर देखने को मिली जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अनाज में फफूंदी युक्त गांठ बनी हुई थी, गेहूं में फफूंदी के साथ कीड़े नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, डिपो होल्डर के पास रखे हुए काफी कट्टे इसी प्रकार के। हालांकि डिपो होल्डर ठेकेदार और अधिकारियों के दबाव में कैमरे के सामने बोल नहीं पाते, लेकिन ऑफ कैमरा प्रत्येक डिपो होल्डर का दर्द सामने आ जाता है और यही कहते नजर आते हैं कि ऐसा गेहूं हर बार प्रत्येक डिपो होल्डर के पास पहुंचता है और फिर बाद में उसे चेंज करवाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। वहीं महलाना रोड पर उपभोक्ताओं ने इस संबंध में प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि इस तरह का गेहूं खाने से वे बीमार पड़ सकते हैं। वहीं इसी संबंध में जब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के फूड इंस्पेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गंदे अनाज को लेकर कम्फेड के से महावीर से बातचीत हुई है और उन्होंने बदलवाने की बात भी कही है। जब भी मीडिया को दखल होता है तब व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही जाती है, लेकिन ऐसा ही अधिकारी एक बार फिर कहते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि कई बार त्रिपाल फट जाता है और बारिश का पानी चला जाता है। प्रत्येक बात से बसते हुए नजर आने वाले यह अधिकारी जब अपने ही बात में फंसे हुए नजर आए तो उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर जल्द से जल्द अनाज को बदलवाने की कोशिश रहती है। वहीं अधिकारी ने यह भी माना कि सरकार की तरफ से ऐसा गंदा अनाज भेजने का प्रावधान नहीं है। डिपो होल्डर को अनाज सप्लाई करने वाली एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराने वाले यह अधिकारी भी अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वहीं कार्यवाही करने को लेकर अधिकारी कहते हैं कि हम लिखित रूप से ही लेटर भेजते हैं, समय समय पर निरीक्षण करने की बात भी अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि ना अधिकारी जिम्मेदारी लेते हैं और ना ही अन्य नुमाइंदे, क्योंकि मिली भगत का असर हर किसी पर पड़ता है और यह असर जब हर किसी पर पड़ रहा होता है तो कार्यवाही कौन करेगा। वहीं जब हमने जांच को लेकर अधिकारी से सवाल किया तो अधिकारी भी बातों को घुमा फिरा कर जवाब देते हुए नजर आए। गरीबों के निवाले पर ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से डाका डालने का काम पिछले लंबे समय से किया जा रहा है और इसीलिए हर बार अलग अलग डिपो होल्डर के पास गंदा अनाज पहुंचता है। गरीबों की व्यथा सुनकर हर कोई परेशान और दुखी हो गए। गरीब महिलाएं यह कहती हुई नजर आए कि गंदा और सड़ा हुआ अनाज लेने को वह मजबूर है, ना लेकर जाए तो भूखे मर जाएंगे और लेकर जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। गरीब आदमी इसी गंदे अनाज को लेकर जाकर कई घंटों तक सफाई करते हैं, फिर उसके बाद धोकर सुखाते हैं, तब जाकर पिसाई होती है और दो वक्त का नवाला तैयार होता है। वहीं कमलेश ने कहा कि खराब गेहूं लेने पर वे मजबूर हैं, गेहूं को धो धोकर साफ करके इस्तेमाल करना पड़ता है, गेहूं की गुणवत्ता बेहद खराब होती है पर मजबूरी में इसे लेकर जाना पड़ता है। सरकार और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। वहीं राशन डिपो धारक ने कहा कि इस बार गेहूं खराब आया है, जैसे ही उन्होंने गेहूं का पहला बैग खोला उसमें गेहूं की गुणवत्ता खराब थी। इस संबंध में विभाग को सूचित करके गेहूं को बदलवाने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि राशन वितरण प्रणाली के तहत जिले के 1 लाख से अधिक राशन कार्ड है। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जहाँ 5 किलोग्राम गेहूँ हर माह फ्री वितरित किया जाता है, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा भी गेहूं, चीनी आदि राशन न्यूनतम मूल्यों पर उपभोक्ताओं को दी जा रही है, परंतु गेहूं की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जुलाई माह में भी कई राशन डिपो पर भीगा हुआ गेहूं उतारा गया था, वहीं अब अगस्त माह में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसके कारण उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं जब डिपो होल्डर से बातचीत की गई तो डिपो होल्डर ने कहा कि 3-4 कट्टे गेहूं के खराब है, पिछली बार भी गेहूं खराब आया था, पिछली बार बदल दिया गया था और इस बार भी बदल दिया जाएगा। वहीं गेहूं के सड़ा होने के कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि गेहूं के कट्टे पानी में भीगे हुए हैं। दादी क्या नाम है, कैसा गेहूं मिल रहा है आप लोगों को, कैसी स्थिति है इसकी? बगानी नाम है। हाँ भाइयो, सरकार जी साइयो हमके कराइयो। अच्छा कैसा गेहूं है ये? बड़े बंद रेरियो पड़े पड़े तो बदबू मार रही इसमें से? मर ला भैया कटी तो यही मिलता है हर बार? हर बार तो ना मिलता भैया, के घर पे बना हुआ है इसे आम आगे तो। क्या कहते हैं ये पीछे से पानी पूनी मारने के कारण होता, कैसे होता है ये? रेवड़े तो यहाँ है बंद करके आगे तो यहाँ यही से। तो ये खाने से बीमार नहीं हो जाओगे? बीमार तो होना ही शायद देगा तो सरकार, सरकारी शादी देगा तो बीमार तो ही पड़े हैं। तो बीमार डर नहीं है यही गेहूँ मिलता हर बार? कैसा गेहूँ है जो लेके जाते हो आप? ये मोटे मोटे डोड़े भी ले जा है, सड़े उड़ भी ले जा है। तो शिकायत वगैरह करिए इसकी पहले? क्या शिकायत करा, जब इसके पास ऐसा होगा तो हम क्या करें बताओ? तो बीमार नहीं हो जाएंगे इस प्रकार का गंदा अनाज खाओगे तो? क्या करें, तो फिर गरीब आदमी ना वो वाचन ना ले जा मर के। क्या नाम आंटी आपका? प्रकार का गेहूँ है ये लेने के लिए आए थे, किस प्रकार का गेहूँ है बताओ? लेने के लिए आई हूं। क्या स्थिति है, किस प्रकार का है ये? तो डांगरों का भी मतलब का नहीं है ना, अब बालकों के मतलब का खाने का है तो बीमार है, बीमारी का है तो पूरे बीमार करेंगे इसको तो जो बेच बेच गया। कैसा गेहूं है, सड़ा हुआ कैसा है? बिल्कुल सड़ा हुआ, गांठ लगी हुई है। हर बार ऐसा मिलता है या पहली बार? ना हर बार ऐसा मिलता है, हर बार ऐसा मिलता है, हम तो ऐसे ले जाते हैं, धो कर बिकवाते हैं बालकों को। गरीब आदमी है, गरीब आदमी है कैसे खाना पड़ रहा है। क्या नाम आंटी आपका? किस प्रकार के गेहूं यहाँ पहुँचा हुआ है? भैया 2-3 कट्टे खराब थे भाई, बाजरे तो बदल दिए थे बाकी और बदल देंगे। किस प्रकार की स्थिति है, सड़े हुए हैं? यो देख लो आप क्या कह रहे हैं। ये कितने कट्टे आए हैं आपके पास टोटल आज? टोटल यो एक के खुला भाई साहब। क्या गिल्ले हैं, किस कारण से ऐसा है? बारिश के मारे थोड़ा। अच्छा गिल्ले कट्टे आ रहे हैं आपके पास? थोड़े बहुत। क्या नाम सर आपका? संदीप। सर सोनीपत के मलाना रोड पर डिपो है और वहाँ पर काफ़ी गंदा अनाज जो है फफूंदी युक्त भेजा गया है और काफ़ी अनाज जो है गीला है, गीला होने के कारण इस प्रकार सड़ा हुआ अनाज पहुँचा है। आपके संज्ञान मामला है और किस संज्ञान में आया अभी हमारे पास? तो हमारी जो कंफर्ट से कर्मचारी हमारे महावीर जी, उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने यही बोला कि मुझे राशन कार्ड जल्दी से जल्दी बदलवा दिया। सर लेकिन बदलवाना ही एक मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर बार इस प्रकार का गंदा अनाज गरीबों को परोसा जाता है, भेजा जाता है और ऐसा एक डिपो में नहीं है, बहुत सारे डिपो में है, क्या कारण है? हमारी तो कोशिश यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा भाई डिपो में खराब राशन ना आए, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ पकड़ ली जाती है तो हम जल्दी से जल्दी इसको दुरुस्त करेंगे, कुछ करेंगे। सर लेकिन अनाज जो है गीला नज़र आ रहा है और गीला होने के कारण ही वो सड़ा है और ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 दिन या 25 दिन पहले ही उसमें पानी डाला गया था और उसकी वजह से अभी ये हालत हुई है। क्या जहाँ गोदाम है वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता, निरीक्षण नहीं किया जाता? नहीं ध्यान तो दिया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा है, कहीं ओपन में जैसे माल गया होता है तो कहीं से तरपाल वगैरह भी पूरा ना होने से बंदर वगैरह भी फाड़ देते हैं तो उसमें बारिश के मौसम में संभाल रहे। लेकिन सर जो कट्टे पहुँचे हैं वो कोई फटा हुआ नहीं था, हमारे सामने उसने सील खोली है और सील के अंदर इस प्रकार का गंदा अनाज कवरिंग होती है जिससे तिरपालों से जैसे कवरिंग होती है ट्रकों की, उसमें पानी की कहीं ना कहीं बड़ों पर पानी लग जाता है बारिश के मौसम में तो उसका हम बदलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर बारिश के मौसम के अलावा अन्य सीजन में भी इस प्रकार का गंदा अनाज पहुँचता है, उसके लिए क्या प्रावधान मानते हैं? शिकायत मिलने के बाद हम यही है कि भाई उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने हमारी कोशिश रहती है और उसको बदलवा जाता है। सर अनाज इतना गंदा है उसको जानवर भी ना खाएं, इतना क्या सरकार की तरफ से ऐसा अनाज भेजने का प्रावधान है? नहीं सरकार की तरफ से कोई तो कौन जिम्मेवार है सर इसके लिए? जिम्मेवार तो हमारे तो कन्फर्ट एजेंसी है हमारी जो माल को डिलीवरी देती है,
तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप लोग अमल में लाते हैं? हम उनको लिखित में ही देते हैं, जैसे अब हमारे पास क्या रही है तो उनका दूरभाष से भी उनका संपर्क किया गया है, तो उन्होंने यही बोला कि बदलवा जाए। सर पहले निरीक्षण किया गया है इस प्रकार से? हाँ, बार बार समय समय पर बोलते रहते हैं, कोई भी ऐसी जिस प्रकार शिकायत आती है हम उसको दुरुस्त करते हैं। सर आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार, इंस्पेक्टर पुलिस सोनीपत।